लर्निंग विद अ डिफरेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 6 फरवरी की स्कूल प्रार्थना सभा के लिए हिंदी समाचार, राष्ट्रीय समाचार। आधार से अब तक नहीं जुड़े 13 करोड़ पैन नंबर, CBDT चेयरमैन ने कहा फीस देकर 31 मार्च तक जोड़े जा सकते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा API और नवीकरणीय ऊर्जा आयात के लिए अन्य विकल्पों की तलाश करे भारत। विदेशी हवाई युद्धाभ्यास करने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी स्क्वाड्रन लीडर अवनी। भारत में तेजी से बढ़े वोटर्स, 1991 के आम चुनाव के मुकाबले अब है 6 गुना से अधिक मतदाता। PM मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर महाखेल में हुए शामिल, बोले देश की रक्षा में राजस्थान के युवा आगे। तेलंगाना में भूकंप के झटके से सहमे लोग, रिएक्टर स्केल पर 3.1 थी तीव्रता। CM हेमंत बिस्वा सरमा बोले असम में जारी रहेगा बाल विवाह के खिलाफ अभियान, अब तक 2211 लोग गिरफ्तार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विशेष आमंत्रण पर रविवार को सुप्रीम कोर्ट के जज अमृत उद्यान पहुंचे। भारतीयों के लिए अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट के नियम बदले, अब अमेरिकी दूतावास में जाकर भी दे सकेंगे इंटरव्यू। और अब समाचार अंतर्राष्ट्रीय। नेपाल की RSP प्रधानमंत्री प्रचंड की गठबंधन सरकार से अलग हुई। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का लंबी बीमारी के बाद दुबई के अस्पताल में निधन। पाकिस्तान के पेट्रोलियम उद्योग पर गंभीर संकट के बाद तेल कंपनियों ने किया आगाह। अमेरिका ने कैरोलिना तट के पास संदिग्ध चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराया। आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान को नहीं मिल रही राहत, IMF ने अगले हफ्ते होने वाली बातचीत से पहले रखी गई शर्तें। अमेरिका में -46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान, मौसम वैज्ञानिकों ने कहा वंस इन ए जेनरेशन। पाकिस्तान के क्वेटा में स्टेडियम के पास हुआ ग्रेनेड हमला, रोकना पड़ा PSL का मैच। सऊदी अरब ने चेताया रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से तेल की किल्लत पैदा होने का खतरा। चीनी स्पाई बलून गिराने वाले F-22 जेट के पायलट को बाइडेन ने दी बधाई। चीन ने स्पाई बलून गिराने को बताया राजनीतिक स्टंट, कहा देंगे जरूरी प्रतिक्रिया। समाचार खेल संबंधित। हाँ, मैंने गलती से प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन किया, बैन बाद बोली दीपा कर्माकर। अनुराग ठाकुर बोले जम्मू कश्मीर में 1500 खिलाड़ी खेलो इंडिया विंटर गेम्स में खेलेंगे। BCCI के चीफ पिच क्यूरेटर पहुंचे धर्मशाला, क्रिकेट स्टेडियम की आउटफील्ड देखी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1 मार्च से टेस्ट मैच। पाकिस्तान में एशिया कप कराने का फैसला टला, मार्च में तय होगा फाइनल वेन्यू, UAE को मिल सकती है मेजबानी। उड़न परी PT उषा का छलका दर्द, रोते हुए कहा मेरी अकेडमी पर किया जा रहा है अवैध कब्जा। समाचार बिजनेस संबंधित। एक बिजनेस समूह के शेयरों की कीमत में दिखा असामान्य उतार चढ़ाव, SEBI। सरकार ने वोडाफोन आइडिया के 16,133 करोड़ रुपए के ब्याज बकाए को इक्विटी में बदलने की दी मंजूरी। FPIs ने शेयर बाजार से 28,000 करोड़ से अधिक निकाले, टॉप लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 1,88,000 करोड़ बढ़ा। बजट 2023 तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी, भारतीय भाषाओं को मिलेगा बढ़ावा। महंगाई में कमी के बाद ब्याज दर बढ़ाने की रफ्तार घटा सकता है RBI, मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज से। 7th पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार जल्द दे सकती है तोहफा, DA बढ़ाने की तैयारी। समाचार में बस इतना ही, धन्यवाद।